country is a subcontinent, is a continent, also an island, but it doesn't have the ocean deep down. और जिन्होंने रखा होगा उनको अंदाज होगा कितनी संपत्ति इस समुद्र में छिपी हुई है. उसकी तरफ ही हमारा मिशन शुरू हुआ है, डीप सी मिशन. इतफाक से वो भी मेरा ही विभाग है. साथ ही साथ हमारा स्पेस मिशन, वो अनलॉकिंग कर दिया गया है पिछले दो साल में. उसकी तरफ भी मोदी जी ने पिछले टैबूज हटाए हैं. और जहाँ तक जॉब्स की बात की जाती है कि जॉब्स क्या है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम सब योगदान करें कि हमारी मानसिकता से जब हम जॉब की बात करते हैं, वो लगता है सरकारी नौकरी. लेकिन देयर इज अबंडेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब जनरेशन इन दिस बजट. अर्थशास्त्री कोई आपको समझाएगा अगर शोध किया हो कि ये जो 5.5 लाख करोड़ से बढ़कर के केवल 7.2 लाख करोड़ हो चुका है. अक्सर ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 40% बोझ इन जॉब जनरेशन. और इस आंकड़े में से देखिए 3 लाख करोड़ तो सिर्फ इसी में से जॉब जनरेशन होगी. उसके अतिरिक्त स्टार्टअप, सस्टेनेबल स्टार्टअप. आपने देखा हमारे बच्चों ने हमारे विभाग के द्वारा उस दिन वो प्रदर्शन किया जो मीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन आकाश में उसमें उजाला किया और चौथा देश बन गया भारत. अभी यही ड्रोन इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ेंगे. दीज आर दी न्यू स्टार्टअप एवेन्यूज. लेकिन उसके लिए हमें उस तरह की प्रतिभा भी रखनी होगी, इनोवेशन भी रखनी होगी. दिस इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमी ऑफ आइडियाज, इकोनॉमी ऑफ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इकोनॉमी ऑफ इनोवेशन. एंड देयर इन लाइज अबंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज. जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने हमारे ने ड्रोन बेचा है कहीं सिक्योरिटी वालों को, तो उसको कहा गया कि साहब हमें सुपरविजन के लिए तुम्हें साथ रहना होगा. कड़ी ठंड में दिसंबर के महीने में जो कोहरा पड़ा था, आपने भी देखा, सुबह 6 बजे से रात तक बैठा रहता था वो सिक्योरिटी फोर्सिंग साहब अपनी ड्रोन की चेकिंग. और अब वही ड्रोन इंडस्ट्री में भी जाए. अपॉर्चुनिटी मच मोर लिक्रेटिव देन अ गवर्नमेंट जॉब इस बजट में उसका. इसी तरह फार्मिंग सेक्टर में, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसी तरह डेयरी सेक्टर का. और कहने का तात्पर्य ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे और कोविड के बाद भारत ने जिस प्रकार की भूमिका बनी है, मोदी जी देश विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता बनकर के सामने आए हैं. द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया. द वर्ल्ड इज ऑल्सो रेडी टू बी लेड बाई इंडिया, टू बी रेडी टू बी लेड बाई अस. द क्वेश्चन इज वेदर वी आर रेडी. और ये वो बजट है जो अगले 25 वर्षों में, बल्कि उससे पहले ही, भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करेगा जिस भूमिका में भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा और विश्व नरेश अथवा विश्व नेता भी कहलाएगा.